इस वीडियो में बेसिकली तीन कोर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. नंबर वन इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लाहौर में कौन कौन सी सोसाइटीज हैं जहां पे आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी सोसाइटीज हैं जो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मेहरन सैयद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप. जिससे कि व्यूअर्स, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के हों, कमर्शियल्स के हों या रेजिडेंशियल प्लान्स के हवाले से हों. आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट 10 मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ लाहौर जिसमें इस टाइम पे करंटली इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. इस वीडियो में बेसिकली तीन कोर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. नंबर वन इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लाहौर में कौन कौन सी सोसाइटीज हैं जहां पे आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी सोसाइटीज हैं जो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. सेकेंड नंबर पर जो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो है कि अभी करंटली क्या रियल स्टेट में ट्रेंड्स चल रहे हैं. थर्डली कि बेसिकली ये ओन या प्रॉफिट की गेम है क्या. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं लाहौर के अंदर. सबसे पहले तो मैं अपने पहले पॉइंट पे बात करूंगी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ कर सकते हैं. इन दोनों को मैंने दो चीज़ों में सेग्रीगेट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में जो सोसाइटीज़ लाहौर में इस टाइम पे बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखी जाए तो वो है पार्कव्यू सिटी, इतिहाद टाउन, लेक सिटी, उसके अलावा जो किंग्स टाउन है, अलनूर ऑर्चर्ड है. यहाँ पे आप इन फ्यूचर या करंटली भी एक गेटेड कम्युनिटी में एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पे आप घर बना के रह सकते हैं इन फ्यूचर या फिर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. ये सोसाइटीज़ बहुत जो है एक प्रॉपर 3 से 4 साल आप वेट करने के बाद जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होंगी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. एक इस वीडियो में एक छोटी सी अपडेट भी मैं आपको देती चलूँ कि शरपुर रोड पे एक जो है सगिया पुल से एक ये ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं जो कि ईजी एक्सेस होगा टूवर्ड्स ऑल द शरपुर रोड की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे. उसमें अल रहमान आ जाती है, उसमें अलनूर आ जाती है, उसमें राजी गार्डन आ सकता है, उसमें जितनी भी वहाँ पे मेन शादमान इंक्लेव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इजीली एक्सेस उनको मिलेगी. और ये यहाँ पे इन सोसाइटीज़ में नियर फ्यूचर प्रॉफिट बहुत गेन हो जाएगा जो भी जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई है, वेस्ट मरीना में हो गया या आगे इन फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे. जो इसका दूसरा हिस्सा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली पाकिस्तान में जो कि मेरा सेकेंड पॉइंट है कि इस टाइम पर क्या ट्रेंड चल रहा है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली उसी ट्रेंड का एक हिस्सा है. अगर देखा जाए तो आप लोगों को ऑलरेडी भी जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं या जो क्लाइंट्स हमारी वीडियोस देखते हैं उनको आइडिया होगा कि इतिहाद टाउन में या लाहौर स्मार्ट सिटी में रिसेंटली कितना बूम आया है प्राइसेस. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने की उनको तकरीबन 10 से 12 लाख तक प्रॉफिट गेन हुआ है रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर. अगर कमर्शियल साइड पर बात की तो तकरीबन 30 से 40 लाख तक प्रॉफिट गेन गया है. इसी ट्रेंड को बेसिकली फोकस करते हुए इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स हैं रिसेंटली जो निकल रहे हैं जिनका मैं अभी आपको नाम लूँगी, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले हैं जिसमें आपको 3 मरला 5 मरला 10 मरला की कटिंग्स मौजूद हैं. और ये यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट करके इसको जो सूनर इसके ऊपर ओन स्टार्ट हो जाता है. जो क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर लाइक 4-6 to 7 months या 1 साल की इन्वेस्टमेंट के प्लान से आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. उनमें 5 से 6 सोसाइटीज़ हैं लाहौर की जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है लाहौर स्मार्ट सिटी जिसमें इस टाइम करंटली मार्केट में 12 से 13 लाख रेजिडेंशियल प्लॉट्स तक ओन चल रहा है. उसके बाद आती है इतिहाद टाउन का फेज 2 जो इस टाइम पर करंटली 1 से 1.5 लाख ओन के ऊपर चल रही है. फिर आती है लिबर्टी लैंड जिसमें अभी आपको जो पुरानी बुकिंग है उस पर 4 लाख तक ओन चल रहा है और जो न्यू बुकिंग है उसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 लाख का ओन चल रहा है. इसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट 1 सोसाइटी एंड विक्टोरिया सिटी. ये रिसेंटली 3-4 महीने पहले ये सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हुई थी और इसके ऊपर करंटली जो है मार्केट में काफ़ी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेंड फॉलो करते हुए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ओन आ चुका है. और करंटली अगर इनकी बात की जाए तकरीबन आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक यहाँ पे ओन मिलता है, आपको फाइल्स यहाँ पे मिलती हैं. अब ये बेसिकली जो मेरा थर्ड इस वीडियो का पॉइंट है, ओन है क्या, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में एकदम से ओन रेज अप हो जाता है, इसमें क्या किस तरीके से इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है और किस तरीके से बेनिफिट इसमें लोगों को मिलता है. सबसे पहले तो मैं इसमें आपको जो रियलिटी है वो ओन की ये बताती चलूँ कि ये अगर इसमें दो चीज़ें होती हैं ओन की. अगर आपको मार्केट में एक सोसाइटी ने न्यू बुकिंग निकाली और निकालते साथ ही उसके ऊपर अगर ओन आ जाता है तो वो एक आर्टिफिशियल प्राइसेस होती हैं, वो एक ऑथेंटिक प्राइसेस नहीं होती.
वो इन्वेस्टर्स की तरफ से आर्टिफिशियली उसको बूस्ट अप किया गया होता है और उनको ताकि मार्केट में हाईली इसकी सेलिंग हो उस वजह से, और वो कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड में वो जो ओन होता है वो बिल्कुल ही कम अर्से में उसकी डिक्लाइन आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि लिबर्टी लैंड में स्टार्ट में आते साथ इतना ज़्यादा ओन आ गया और फिर कुछ अर्से बाद उसकी थोड़ी सी प्राइसेस में डिक्लाइन आया और अब दोबारा से उसके ऊपर ओन काफ़ी जो है अच्छा स्टार्ट हो चुका है। रियलिटी बेसिस की, ऑनलाइन बेसिस की बात करूँ तो जो बेसिकली ओन स्टार्ट होता है, जो उसकी जो एक्चुअल वर्थ अगर देखनी होती है तो तब वो बेसिकली देखी जाती है जब इंस्टॉलमेंट्स जो हैं किसी भी सोसाइटी की स्टार्ट होती हैं, तब उसकी बेसिकली एक्चुअल वर्थ होती है। मार्केट में बेसिकली 70% जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करके फाइल उठा लेते हैं और फिर उसको होल्ड ऑन कर लेते हैं, उस पर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते। फिर जैसे ही इंस्टॉलमेंट्स का टाइम आता है तो वही फाइल जो है मार्केट में सेलिंग के लिए आ जाती हैं और फिर उन्हीं फाइल्स के ऊपर ओन स्टार्ट हो जाता है। अब वो डिपेंड करते हैं सोसाइटी की वर्थ क्या है। अगर तो बहुत अच्छी सोसाइटी है जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी होगी, इतिहाद टाउन हो गया, तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई एंड पे ओन के ऊपर चली जाती हैं। और जैसे ही ये जो फाइल्स मार्केट में आती हैं समटाइम्स तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे भी आ जाती हैं, जो ओन प्राइस है वो नीचे आ जाती है। इसमें बेसिकली डिपेंड ये करता है कि अगर 50% इन्वेस्टर है तो इसमें 50% तक जो प्राइस है वो ओन की वो कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर 70% इन्वेस्टमेंट है तो इसमें 70% जो प्राइस इसकी कम हो जाती है, और अगर किसी जगह पे 30% इन्वेस्टमेंट की होती है इन्वेस्टर्स ने तो उनकी जो 70% है वो प्राइसेस कम हो जाती हैं। अब मैं इस वीडियो के अख्ताम पे आपसे बस यही इसकी कंक्लूजन लूँगी कि जो लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो अकॉर्डिंगली जो है सोसाइटी सेलेक्ट कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे इस टाइम पे करंटली एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग हो रही है, मैक्सिमम बेनिफिट किस सोसाइटी में आपको अवेल हो सकता है, इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए या लाहौर में जितनी भी टॉप 10 सोसाइटी जो इस टाइम पे करंटली जिसकी हाइप है, जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वर्थ चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन सोसाइटीज़ में जैसे पार्कव्यू सिटी हो गया, लिबर्टी लैंड हो गया, तिहाड टाउन हो गया, डिस्ट्रिक्ट वन हो गया, विक्टोरिया सिटी या किंगसाउन नलू रॉटर्ड, इस तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं आप मुझसे इन सोसाइटीज़ के हवाले से और भी सोसाइटीज़ के हवाले से नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाइटेनियम ग्रुप मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स में डील करता है ऑल ओवर पाकिस्तान। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।